जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के दशम भाव में प्रभाव को लेकर। देखिए, राहु का दशम भाव में प्रभाव, ये कुंडली में राहु की बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाएगी दशम भाव में राहु की जो है। और राहु ऐसा भी कहा जाता है कि आजकल ज़्यादा प्रचलित है वाली बात भी कि राहु जिसके दस में दुनिया उसकी बस में, अर्थात मतलब ये जो राहु जो है टेंथ हाउस के में कर्म स्थान में बैठकर जो है, क्योंकि आज का युग जो है कलयुग है और कलयुग में मायावी कर्म करके जो है ऐसा व्यक्ति खूब उन्नति करता है, तो ये राहु की जो है बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाएगी। और देखिए, अब देखिए राहु और टेंथ हाउस को अगर आप देखते हो तो ये टेंथ हाउस है, ये आपका कर्म स्थान है, कर्म क्षेत्र है, प्रोफेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, नेम फेम की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, तो ये टेंथ हाउस जो है आपका बताता है। अब देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पर बैठकर जो है राहु, राहु क्या है, डिज़ायर्स है, इच्छा है, राहु जो है मतलब चीज़ों में मतलब इस तरीके से गलत तरीके से चीज़ों को प्राप्त कर लेना जो है, मतलब कुछ भी या फिर भ्रम की बात करें जो है, धोखे की बात करें, चीट की बात करें, उन सब की चीज़ों की बात करें, तो वो सब जो है राहु है, या आपके काम में रुकावट आ जाना, वो सब चीज़ों को भी राहु ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए राहु जब दशम भाव में बैठेंगे तो उसकी जो डिज़ायर्स रहेगी, अब उसका जो जीवन है वो जो डिज़ायर्स है वो कर्म क्षेत्र को लेकर अपने आप के अपने जो मतलब जो व्यक्ति कर्म करेगा वो चाहेगा कि उन कर्मों से जो कर्म करे उनसे समाज में मतलब देश विदेश में उसका नाम हो, मान सम्मान प्राप्त हो उसको। अब यहाँ पर क्योंकि इस भाव से पद प्रतिष्ठा को भी देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति की जो चाह होगी, इच्छा होगी, वो कहीं ना कहीं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मतलब अपनी लेवल को बढ़ाने की, पावर में आने की, अथॉरिटी प्राप्त करने की, ये इच्छा उसके अंदर अब ये प्रबल पाई जाएगी जिसके राहु दसवें भाव में हो। यहाँ पर सबसे अच्छा परिणाम तब और मिल जाता है कि जब ये राहु के साथ यहाँ पर तीन नंबर लिखा हो या छः नंबर, अर्थात राहु मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, क्योंकि कन्या राशि को ये अपनी राशि मानते हैं और मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पर राहु बहुत अच्छे प्रभाव देता है और राहु की महादशा प्राप्त हो गई आपको, साथ ही राहु टेंथ हाउस के अंतर्गत है, मिथुन कन्या राशि के अंतर्गत है, तो वो समय जो है व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा। और अक्सर ये भी कहा गया है कि राहु 42वें वर्ष से जो है या 42वें वर्ष के बाद जो है व्यक्ति मतलब एक ऐसा लेवल होता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो जाता है, मतलब बड़ा आदमी बन जाता है जिसे हम कह सकते हैं, मतलब एक लेवल, एक अथॉरिटी और एक पावर जो है व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इस तरीके का व्यक्तित्व, इस तरीके की पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है। अब देखिए राहु की अगर हम बात करें कर्म स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ, जो कि हमने बताया ही है, ऐसा व्यक्ति जुनूनी होता है काम के लिए जो है अपने कर्म क्षेत्र में, इस तरीके से वो ऐसा भी हो सकता है आपको मतलब कर्म क्षेत्र में पूरा टाइम कर्म क्षेत्र में ही लगा रहेगा, प्रोफेशन को ही देगा, क्योंकि अब यहाँ पर जब राहु आएगा, जब राहु टेंथ हाउस में आएगा तो केतु कहाँ पर आ जाएगा, चतुर्थ भाव में आ जाएगा, और केतु जो है सेपरेशन का भी काम करता है, अलगाव की स्थिति का भी काम करता है। अब चतुर्थ भाव क्या है, आपकी माता का घर, माता का भाव है या घर की बात करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि राहु जिसके दश में है उसको अपने घर परिवार से प्रेम नहीं होगा, स्नेह होगा, प्रेम होगा, कर्तव्य का पालन भी करेगा, परंतु प्रेम होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं आपको अलग दिखाई देगा। हो सकता है वो घर के अंदर, अगर वह घर के अंदर भी व्यक्ति है तो हो सकता है कि वो घर में किसी कमरे में जो है ज़्यादा अकेला रहता हो, मतलब जो है अपने काम में लगा रहता हो, अकेला रहता हो घर के अंदर भी, एक कमरे में हो जाता है ना कि एक पर्सनल रूम मिल गया उसमें रह रहा हो, मतलब जो है और मतलब फैमिली के साथ ज़्यादा बैठना उठना उसका कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर्तव्य का पालन करने वाला नहीं होगा, कर्तव्य का पालन करने वाला होगा, लेकिन उसका जो ये जन्म है, क्योंकि राहु क्या है कि पूर्व जन्म की इच्छा जो शेष रह गई थी, वो उस जन्म में इच्छा जो है वो यही है, राहु जो डिज़ायर्स है, अब वो राहु जो डिज़ायर्स आपकी जो है, इच्छा जो है वो किसको लेकर है, वो आपके कर्म क्षेत्र को लेकर है, कर्म स्थान को लेकर है, आपके प्रोफेशन को लेकर, आपको कुछ कर गुजरना है और वो भी कुछ बड़ा, कि आप जो है मतलब दुनिया में छा जाए, ऐसा कुछ आप बड़ी पर्सनैलिटी आप बनना चाहते हैं। आप देखिए ये व्यक्ति के अंदर एक पागलपन भी, जैसे कहते हैं ना जुनूनी है, मतलब एक जुनून हो गया काम के लिए जो है, पागलपन जैसे लगे रहना, कुछ अटपटा काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, दुनिया उसके लिए आपको कह सकती है कि शायद उसमें आपको सफलता ना मिले, परंतु आपको जो है उसके उनके चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून है, पागलपन है। और अगर वहाँ पर नक्षत्र भी आपको आर्द्रा नक्षत्र मिल जाता है, लग्न का नक्षत्र हो, चंद्रमा का नक्षत्र
नक्षत्र हो या फिर दसवें घर के स्वामी का नक्षत्र, अगर स्वामी जो है आद्रा नक्षत्र में हो, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र ये बताता है, क्योंकि आद्रा हमें बताया कि इसका जो प्रतीक भी होता है वो हीरे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, ये बताता है व्यक्ति की दृढ़ निश्चयता को बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा डिटर्मिनेशन उसकी जो है बड़ी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जो ठान लेता है उसको करके ही मानता है, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम कितना ही समय क्यों ना लगे, क्योंकि बड़ा बनना है इस व्यक्ति को और बड़ा बनकर ऐसा व्यक्ति समाज को संसार को दिखाता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा माना जाता है राहु का 10th हाउस में होना। बेसिकली यहाँ पर ये तो बात है कि यहाँ पे फैमिली से भी व्यक्ति दूर होते चले जाते हैं धीरे धीरे जो है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फैमिली से लगाव नहीं करेंगे, फैमिली से लगाव करेंगे लेकिन थोड़ा सा दूर होते जाएंगे, मतलब वो अपने कर्म क्षेत्र में ज़्यादा उनका झुकाव रहेगा। और यहाँ पर एक बात है कि बहुत सारे लोग उनके अंडर में काम भी करेंगे आने वाले समय में, मतलब जो है मतलब जब उनको राहु का अच्छा फल मिलेगा तो बहुत सारे लोग उनके अंडर में काम भी करने वाले होंगे। अब एक बात और, राहु अगर दसवें भाव में है तो हमने जैसे बताया घर से थोड़ा दूर रह सकता है ऐसा व्यक्ति, देश विदेश में रह सकता है ऐसा व्यक्ति, मतलब जो अपने जन्म स्थान से दूर रह सकता है विदेश में रह सकता है। और घर के लिए अगर बात करें कि उसके पास भूमि भवन वाहन की अगर बात करें, राहु की सातवीं दृष्टि भी भूमि भवन वाहन पर पड़ रही है, डिजायर्स है, इच्छा है, तो होगा क्या कि वो कर्म क्षेत्र में इतनी उन्नति करेगा, इतना धन बना लेगा। और ऐसा व्यक्ति भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, अगर उसके घर की बात करें तो बहुत कुछ होगा उसके पास, बहुवचन में उसके पास ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी उसका इस तरीके से उसका कर्म क्षेत्र रहेगा कि हो सकता है वो उनको मतलब जो है उनसे दूर रहे, अर्थात किराए को, क्योंकि ऐसा अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी उसके पास खूब है, अपना पैसा खूब सब कुछ है, लेकिन वो किराए के घर पर रहता है, ऐसा भी देखा गया है। साथ ही ये भी देखा गया है कि क्योंकि यहाँ पर जो है केतु होने के कारण चतुर्थ भाव में, उसका हो सकता है कि देखिए माता से तो असंतोष हो सकता है किसी बात को लेकर, कितनी बार ये भी देखा जाता है कि माता की तबीयत खराब रहती है, जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिसके कारण माता से असंतोष है, या फिर किसी भी प्रकार से असंतोष, आप इनसेटिस्फेक्शन जान सकते हैं केतु के कारण माता से जो है उनको असंतोष हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और, केतु जब चतुर्थ भाव में घर के उसमें आता है, यहाँ पे फोर्थ हाउस में आता है, तो आप यहाँ पे एक प्रेडिक्शन और देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर जो है उसके आसपास कोई शिवालय, कोई स्पिरिचुअल प्लेस आपको मिल सकता है। अगर आप देश विदेश विदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर शिवालय ना होकर एक चर्च हो सकता है, या कोई ऐसा प्लेस स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पर व्यक्ति को शांति के लिए या ध्यान केंद्र हो, कोई ध्यान लगाने के लिए मेडिटेशन सेंटर हो, तो इस तरीके का कोई मतलब स्पिरिचुअल प्लेस भी आपको मतलब वहाँ पर मिल सकता है, जब केतु आपके फोर्थ हाउस में यहाँ पर आता है। राहु जब दसवें भाव में तो केतु फोर्थ हाउस में आएगा, तो ये भी आप यहाँ पर जो है मतलब देख सकते हैं। और किराए का घर की हमने बता ही दिया, यहाँ पर ये भी संभावनाएं बहुत अधिक बनती है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर है और किराए के घर की संभावना बने। और देखिए राहु जब 10th हाउस के अंतर्गत है तो पिता से लगाव रहेगा, लेकिन पिता से आर्गुमेंट होते रहेंगे, क्योंकि एक बात और समझ सकते हैं आप, क्योंकि जब दसवें भाव में राहु होगा ना तो ऐसा व्यक्ति जो है ना कुछ कर गुजरने वाला जैसे है, तो वो बड़ी सोच रखने वाला। और यहाँ पर एक बात और है, बड़ी सोच के साथ सही गलत का कोई मतलब नहीं, राहु नियमों का पालन करने वाला नहीं होता, जैसा हम हमेशा बताते ही हैं, क्योंकि राहु एक राक्षस है, जो कि हम कहानी सुनाई चुके हैं स्वर्भानु नामक राक्षस की। तो यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो है कर्म क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि नियमों का पालन जो है सारी नीति नियम ये लागू कर मतलब लेकर चलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब फायदा होगा तो किसी भी हद तक जाकर जो है फायदा भी लेने वाला होगा, और मतलब अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर गुजरने वाले होंगे, मतलब जो है मतलब एक तरीके से अगर ये सरकारी अधिकारी हो तो हो सकता है ये रिश्वत वगैरह भी ले लें, तो मतलब ये सब भी चलता है इनके केस में जो है, मतलब ये सब भी होता है, सही गलत सब तरीके से ये पैसा कमाने वाले होंगे। क्योंकि राहु जब यहाँ पर बैठेंगे तो जैसे हमने बताया ना अभी घर से दूर घर से संतोष, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठे कि पांचवी दृष्टि की बात करें तो धन भाव पर, जो कि कुटुंब का ही भाव है, परिवार का ही भाव है, तो परिवार से भी दूरी बनती है मतलब व्यक्ति की। बेसिकली अगर मन की स्थिति, मन से वो चाहे पास हो, लेकिन अगर फिजिकली बात करें मतलब वहां से भी दूरी उसकी बनती ही है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है, अब यहाँ पे देखिए राहु की दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर है, धन भाव पर है, तो ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाएगा, हो सकता है वो दूसरे के धन को भी अपना कब्जाने की कोशिश कर ले, मतलब जो है ऐसी भी स्थिति। अब इसको नेगेटिव मत ले लेना, हो सकता है आपके कुंडली में राहु दसवें भाव में और आप ऐसे ना हो, तो मतलब इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें यहाँ पर सभी पॉसिबिलिटीज को जो भी चीज़ होती है उसको सबको आपको बताना है। अब यहाँ पर राहु क्योंकि भाव कुटुंब का भी भाव है, तो कुटुंब का भाव है तो यहाँ पे डिजायर्स तो है कुटुंब की जो है, लेकिन फिर भी क्या होगा क्योंकि केतु यहाँ पे से राहु का जो संबंध बना है, राहु की दृष्टियां भी विच्छेदात्मक होती हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें राहु की दृष्टि की बात करें, यहाँ पे केतु भी आ जाता है जिसके कारण घर से दूर होगा, और वाणी भाव पर है जैसे द्वितीय भाव पर, तो व्यक्ति जो है बोलने में भी काफ़ी अच्छा होगा, वह माहिर होगा जो है, उच्च कोटि का वक्ता आप यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब बोलकर जो है अपनी बातों में इस तरीके से सामने वाले को माया विजाल में फंसा सकता है, मतलब
और धन अर्जित कर सकता है। बहुत बड़े लेवल पर व्यक्ति जो है जाने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आप देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर हैं, ये आपका लगन है, तो यहाँ से सातवें भाव में हम हमेशा बताते हैं जीवन साथी का भाव होता है, तो ये जीवन साथी है। जैसे यहाँ आप थे, यहाँ से चौथा भाव क्या था, आपकी माता का बताते हैं, 1 2 3 4 चौथा भाव आपकी माता का भाव है, और यहाँ पर आपका क्या है, स्पाउस है, जीवन साथी है, तो यहाँ से जो चौथा भाव होगा अर्थात 1 2 3 4 तो यहाँ क्या आएगी चौथी में, आपकी मतलब स्पाउस जो जीवन साथी है उसकी माँ, जो कि आपको क्या लगेगी, सास। मतलब ऐसे व्यक्ति की जो सास होती है वो राहु से पूर्ण रूप से प्रभावित मैटेरियलिस्टिक हो सकती है, भौतिकवादी हो सकती है, और मतलब माया भी आपको अलग ही दिखेगी जो है, मतलब उसमें जो है वो बड़े जो है मतलब जो है ताकतवर दिखेगी आपको इस वे में जो है मैटेरियलिस्टिक में जो है भौतिक जगत में जो है काफ़ी उन्नति करने वाली जो है, और अपनी बातों से जो है लोगों को प्रभावित और किसी भी हद तरीके से जो है सामने वाले को जो है अपनी बातों से प्रभावित कर सकती है, मतलब ऐसा व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व रहता है। अब मतलब राहु से काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होती है अपना रंग बदलने में, रूप बदलने में जैसे हम कहते हैं, तो वो सब भी व्यक्ति कर सकती है, तो ये सब होता है राहु का प्रभाव। अब लाल किताब के अंतर्गत जो है राहु को ये भी बताया गया है कि सांप के सर पर मणि, तो सांप के सर पर मणि जो है बहुत अच्छा संकेत है, तो ये व्यक्ति को यही है कि क्योंकि मणि जो है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, एक तरीके से इच्छाधारी नाग जो होते हैं उन्हीं को ही प्राप्त होती है ये सब जो है, तो कहीं ना कहीं राहु जिसके दसवें भाव में होता है, हमने कहा ना दुनिया उसके बस में, तो अब वो व्यक्ति जो चाहे जो उसकी इच्छा है कर्म क्षेत्र को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, जो भी वो कुछ भौतिक जगत में जो वो उन्नति करना चाहता है, जो चीज़ पाना चाहता है, वो सब प्राप्त कर लेगा ऐसा व्यक्ति जो है मेहनत कठिन परिश्रम करके, क्योंकि राहु जो है कठिन परिश्रम वगैरह सब कुछ करके जो है, और ये अचानक से ये भी बात है कि जब राहु दसवें भाव में होगा ये अचानक से भाग्य उदय भी देगा आपको जो है सडन एकदम, आपको जो है एकदम आपको हो सकता है आपको एक्सपेक्ट भी ना हो तब एकदम तुरंत कुछ ऐसा बड़ा दे दे आपको, और कितनी बार ऐसा भी होता है व्यक्ति संभाल भी नहीं पाता, मतलब इतना बड़ा कुछ व्यक्ति को जीवन में मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, देखिए ऐसा व्यक्ति जो है पॉलिटिशियन बहुत अच्छा हो सकता है, और शास्त्रों में बताया भी गया है क्योंकि ये व्यक्ति सब कुछ काम करना जानता है, जैसे हमने कहा सही गलत सब तरीके से, वाणी से भी इसका पूर्ण रूप से प्रभावित रहेगा, वाणी भी प्रभावित प्रभाव करने वाली होगी, प्रभाव देने वाली होगी। एक बात और है, कुछ वाणी तीक्ष्ण प्रवृत्ति की भी हो सकती है व्यक्ति की जो है, जैसे कहते हैं ना पन्नी जो एकदम आवाज़ ऐसी हो, पन्नी सी हो, बिल्कुल जो है इस तरीके की आवाज़ भी व्यक्ति की जो है कड़क सी जैसे कहते हैं वो वाली आवाज़ भी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। राजनीति के जैसे हमने कहा अच्छा हो सकता है, बड़ा व्यापारी भी हो सकता है जो है, अगर नौकरी में है तो हो सकता है सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है मतलब, और यहाँ पे क्योंकि राहु का संबंध जो है बिजली से भी देखा जाता है, हो सकता है विद्युत विभाग के अंतर्गत हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाला बड़ा व्यापारी हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आप जोड़ सकते हैं, और आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें उनको भी अगर कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप से जोड़कर देखते हैं, इस तरीके की चीज़ों से जोड़कर देखते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कुछ बड़ा इस तरीके का अधिकारी वगैरह जो है मतलब बड़े पद पर व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर जो है, और इसका जो प्रभाव ज्यादा मिलता है, हमने बताया ना 42 वर्ष के बाद वो व्यक्ति बहुत उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति जो है। अब ये देखिए राहु का संबंध जो कि हमने बता ही दिया है कि धन वगैरह से झूठ वगैरह बोलकर जो है व्यक्ति सब कुछ काम करने वाला होगा, और नाम की बात करें क्योंकि राहु जब काम करेगा तो उसको तो नाम लेना ही लेना है, वो छीन कर लेने वाला होगा एक तरीके से, मतलब जो है क्योंकि जैसे अमृत का पान उन्होंने छीन कर लिया था, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि राहु जब यहाँ पर दसवें भाव में बैठा है, नेम फेम का भी भाव है, तो जो डिजायर है उस इच्छा की पूर्ति होगी ही होगी, व्यक्ति जो है मतलब जो है अपने काम करने के बाद जो है उन सब चीज़ों को भी प्राप्त करेगा, नेम फेम की बात करें, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि की बात करें, वो सब प्राप्त करने वाला होगा। और 42 वर्ष के बाद जो है हमने बता ही दिया, खूब धन दौलत शोहरत का मालिक होगा व्यक्ति, बड़े बड़े लोग उसके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। साथ ही साथ अब देखिए राहु के साथ अगर चंद्रमा हो, एक समथिंग हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, क्योंकि चंद्रमा जो है शांति की बात करें, अभी राहु अगर दसवें भाव में अगर चंद्रमा उसके साथ जुड़ जाता है, तो हो सकता है अब वो व्यक्ति लोगों की केयर करने वाला भी हो, समाज में समाज की केयर करने वाला भी हो, राहु के साथ चंद्रमा जुड़ने से इतना प्रभाव भी पड़ेगा, और वो शांति तरीके से अहिंसात्मक तरीके से व्यक्ति समाज की उन्नति, संसार में एक अगर हम बात करें कोई अगर आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति हो, तो वो इस तरीके का काम बड़े शांति तरीके से करने वाला होगा, मतलब क्योंकि राहु दसवें भाव में वो लोगों को एक साथ लेकर चल सकता है, उसके अंदर इतनी पावर इतनी सामर्थ्य है लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला होगा, और वहीं अगर राहु के साथ चंद्रमा है तो वो शांति तरीके से लोगों को साथ लेकर चलेगा। वहीं राहु के साथ अगर मंगल जुड़ जाते हैं, क्योंकि मंगल आप जानते ही है, मंगल क्या है, मंगल पराक्रम है, मंगल के साथ लड़ाई झगड़ा क्रोध की बात अगर हम करें और मारपीट की बात करें वो सब भी जुड़ जाती है, तो अगर राहु 10th हाउस में है उसके साथ मंगल भी जुड़ जाता है, तो वहां पर व्यक्ति मारपीट पर भी उतर आ सकता है, कोई आंदोलन अगर ऐसे व्यक्ति कर रहा है तो हो सकता है उसमें वो लड़ाई झगड़े वगैरह जो होता है, या फिर जैसे आजकल होता है कि गाड़ी फूंक दी है, ये सब कर दिया है, मतलब जो है मतलब कि अगर
नुकसान पहुंचाने की बात करें तो वहां पर ऐसा व्यक्ति जो है गुंडागर्दी पर भी उतर आता है, ऐसा भी वहां पर हो सकता है। अब वहीं राहु के साथ अगर सूर्य हो जाए तो देखिए एक समय बाद उसके प्रतिष्ठा को जो है हानि भी हो सकती है जब राहु के साथ यहां पर सूर्य हो जाए। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्रोध तो होगा, उग्रता भी होगी, और जब राहु के साथ सूर्य जुड़कर 10th हाउस में होंगे क्रोध होगा उग्रता होगी, लेकिन मारपीट की स्थिति नहीं करेंगे वे, लेकिन हां अपने एटीट्यूड को जो है हाई लेवल पर रखकर जो है काम करने वाले वहां पर होंगे। तो यहां पर जो होगा ये व्यक्ति हमने बता ही दिया कि मास लेवल पर जो है बड़े बड़े लेवल पर लोगों को साथ लेकर चलने वाले, जो समाज में क्रांति लाने वाले होते हैं, एक आंदोलन लेकर चलने वाले होते हैं, समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले होते हैं, वो भी इस तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि राहु दसवें भाव में केवल अपना ही अपना पेट भरने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। ठीक है, चीजों को समझना पड़ता है। हो सकता है और भी ग्रह कुंडली के अंतर्गत इतनी अच्छी स्थिति में हो कि राहु दसवें भाव में जैसे हमने बताया कि वो दूसरे के धन को कब्जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है मतलब इतना बड़ा लेवल का हो कि वो समाज में एक समाज के लिए बहुत कुछ कर जाए, बहुत बड़ा कुछ कर जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो है। तो मतलब राहु का वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें, राहु किसी भी राशि में किसी भी तरीके से स्थिति में राहु दशम भाव में है, अक्सर जो है राहु का अच्छा ही प्रभाव बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं या फिर प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो बात कर रहे हैं उसमें ग्रोथ की ओर इशारा करता है। और राहु का संबंध जो है विदेशों से भी होता है, ऐसा व्यक्ति देश विदेश में नाम कमाता है, अच्छी स्थिति राहु की यहाँ पर पाई जाती है। और अगर आपको यहाँ पर बैठे राहु के कारण भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो नेगेटिव फल दे रहा है तो ये राहु बिगड़ भी सकता है। देखिए कैसा कहते हैं, क्योंकि ये भाव जो है दशोभाव कर्म का भाव है, शनि कर्म के कारक होते हैं, और अगर हम बात करें नेम फेम अथॉरिटी की बात करते हैं वहाँ पर सूर्य की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आप जो है धूम्रपान वगैरह, क्योंकि यहाँ पर बैठे राहु का एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर दृष्टि पड़ रही थी द्वितीय भाव पर जो कि वाणी का भाव मतलब मुख भी है जहाँ से अगर हम खान पान की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति का अभक्ष्य पदार्थों से सेवन देर सवेर से सही परंतु आने की संभावना बन जाती है जो है कि अभक्ष्य गलत पदार्थ, जैसे कि अगर हम बात करें अंडा मांस शराब की बात करें मतलब नॉन वेजिटेरियन की बात कर लें, या फिर अगर हम बात करें ये जो मदिरा पान की अगर हम बात करें नशीले पदार्थों के सेवन की बात करें मतलब जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते उनसे भी संबंध ऐसे व्यक्ति का आ सकता है, और आने के बाद जो ये राहु थोड़ा बिगड़ सकता है तो वहां पर आपको नेगेटिव प्रभाव मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर राहु आपके दशम भाव में है तो आप भी इन सब चीजों खाद्य पदार्थों से अभक्ष्य पदार्थों से बचने का पूर्ण रूप से प्रयास करें, सात्विक रहिए। और यहाँ पर देखिए एक बात और हम बता देते हैं आपको जो है कि यहाँ पर देखिए गरीबों की सेवा करिए जो है, क्योंकि शनि के कारण जो आपको यहाँ पे गरीबों की सेवा अगर आप करते हो, फोर्थ क्लास लोग की अगर हम बात करते हैं जो फोर्थ क्लास पद पर होते हैं जो है पोस्ट पर होते हैं उन लोगों की अगर हम बात करते हैं, ये लोग जो समाज में पिछड़े हुए हैं जो असहाय हैं उन लोगों की अगर आप उनको सेवा देते हो तो वहाँ से आपको ये राहु भी अच्छा प्रभाव आपको देने वाला होगा। नौकरों की सेवा करो, जो आपके नौकर चाकर रहते हैं घर में जो है उनको जो उनको जरूरत रहती है, देखिए उनको जो बेसिक नीड्स हैं, हो सकता है उनके घर में शादी हो, उनकी लड़की की शादी हो, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मतलब जो है जो उन्हें चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता उन्हें। अगर आप देखिए अपने लेवल पे आप एक बड़े लेवल पे हो और अगर आपके नौकर चाकर की बात उनको बहुत अधिक नहीं चाहिएगा, अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प कर दोगे तो वो आपको बहुत दुआ देंगे और वो दुआ आपको जो है बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो उपाय में सर्वश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ उपाय की अगर बात करें तो अच्छा उपाय माना जाएगा, एक अभक्ष्य पदार्थ से दूर रहिए। और राहु अगर आपके दशम भाव के अंतर्गत है तो सबसे अच्छा उपाय है शिव तांडव स्तोत्र, आपको बहुत ज्यादा पावर भी देगा, नाम देगा और बहुत अच्छा रहेगा। शिव तांडव स्तोत्र का जो है प्रतिदिन आप जो है स्तोत्र का जाप करिए, जो है उसको पढ़िए और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और एक काम और कर सकते हैं आप, आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है पाठ अवश्य कर दे रही है जो है, जो कि आपको नाम जो है मतलब ये अच्छा रहेगा आपके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं से अगर आपको सूर्य आपका पीड़ित हो रहा है, सूर्य को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये आदित्य हृदय स्तोत्र का भी जाप करते रहिए। तो कुल मिलाकर राहु का दशम भाव में प्रभाव बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी भी कुंडली के अंतर्गत राहु दशम भाव में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो आपको बताइए जो भी चीज़ बातें मैं बताइए जो अच्छी लगी हो वो बिल्कुल आप जो है कमेंट सेक्शन में डिस्कस अवश्य करिएगा, ये आपके लिए भी हमारे लिए भी ज्ञानवर्धक रहेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।